राहिल आपने पूरा रोशन कर दिया। अगर राहिल आपके घर की लाइट जाती है तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, आप खुद कर लेंगे। ऐसा लग रहा है आप खुद करेंगे और आपके घर का नहीं, आप पूरे शहर को भी रोशन कर देंगे। हाँ, आपकी जुस्तजू और तड़प को देखकर। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको आगे ने ख्वाहिशात आई। एक चक्री आपने जो है तो हमारे जो बड़े मॉल होते हैं प्रोचन मॉल वगैरह जैसा औरंगाबाद में, उसमें जो सीढ़ी पर हम खड़े रहते हैं, इलेक्ट्रिक सीढ़ी होती है और उसके ऊपर से हम जो जाते हैं वो बनाया है, राइट? तो आपने इसे इस पे बताया है कि पुट्ठे वगैरह से आपने थर्माकोल से कैसा बनाया? करता हूँ कि आप दूर दराज शहर से दूर दराज इलाके में जहाँ स्लम एरिया है, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको आप उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके लिए तो मैं पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ तामीरे मीडिया को कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम देखकर हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स, हमारा जो माहौल है वो खुश हो जाते हैं कि आप सही चीज़ बता रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक बनाई है। उम्मीद करते हैं कि मुदस्सिर ऊपर जाए, सरकार भी इनके तरफ देखे और इनका जो आइडिया है वो ले और मुदस्सिर आगे जाकर एक बड़े साइंटिस्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। शुक्रिया। इधर देखिए, ये जो है तो उर्दू में लिखा है, यानी आप कौन सी क्लास में? सातवीं। सातवीं क्लास में है और ये उर्दू स्कूल है। देखिए, आने वाली जनरेशन ने अभी भी उर्दू को थाम रखा है और साथ ही इंग्लिश की तालीम और मराठी की तालीम भी ये लेते हैं और इनका बस यही मकसद है कि हम ज़िंदगी में जा भी बड़े आगे बढ़े लेकिन हम उर्दू को नहीं छोड़ें, राइट? Yes. बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं तामिरे मीडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान। हम मौजूद हैं नारेगांव में, नारेगांव महानगर पालिका उर्दू हाई स्कूल। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंसानी एक फितरत होती है कि हम जल्द से इंसानी एक फितरत ये होती है कि हम इमिडिएटली या जल्द से जल्द जिसे कहेंगे हम किसी को भी जज कर लेते हैं और इंसानी फितरत में जज करने वाली सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम हर इंसान को अमीरी और गरीबी में जज कर लेते हैं और दुनिया का आपने रूल देखा है कि वो कैसे तुरंत किसी को भी जो है तो अमीरी और गरीबी में बांट लेती है और जज करती है। लेकिन तामीरे मीडिया न्यूज़ जो है तो हमेशा यही से यही करता है कि हम गरीबी की तरफ जो है तो ज़्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि जहाँ हुनर होता है, जहाँ टैलेंट होता है, वो गरीबी की गुमनामी में ही गुम हो जाता है। लोग अमीरी के पीछे भागते हैं और जो आप देखते हैं कि औरंगाबाद में बहुत सारे स्कूल है, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है जहाँ मोटे मोटे डोनेशन दिए जाते हैं और हम चाहे तो वहाँ भी कवर कर सकते हैं, हमें वहाँ से भी कॉल आते हैं। लेकिन मेरे मीडिया न्यूज़ की यही एक वो रहती है कि हम ये देखें कि औरंगाबाद में गांव हो या फिर हमारे छोटे स्कूल हो जहाँ के बच्चे गरीबी की रेखा में जीते हैं, गरीबी की रेखा में जीते और वहाँ के बच्चों का जो टैलेंट है हम चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे तामीरे मीडिया न्यूज़ के ज़रिए से और जो उस्ताद उनके स्कूल के जो मेहनत करते हैं और जो बच्चों में टैलेंट होता है उसको उजागर करे। तो हम मौजूद थे नारेगांव के महानगर पालिका स्कूल में जो कि हाई स्कूल है और यहाँ पर आज साइंस डे के मौके पर साइंस नुमाइश यानी साइंस एग्जीबिशन रखा गया है। तो हम बात करते हैं यहाँ के HM और दूसरे सर से, उस्ताद से, कैसा रहा ये आज का दिन? आइए आगे। सर आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अबरार अहमद है और मैं महानगर पालिका नारेगांव उर्दू का सदर मुदर्रिस हूँ। जी तो सर बताइए, आपने पूरे जो स्टूडेंट थे, जो तालिब इलम थे, लड़कियाँ हो लड़के हो, सबका देखे कैसा प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने साइंस की नुमाइश में साइंस डे के मौके पर, तो उसमें आपको क्या लगा है? देखिए, हमारे पास नारेगांव में हमेशा 28 फरवरी नेशनल साइंस डे के मौके पर बड़े पैमाने पर हम साइंस डे मनाते हैं। हमारे बच्चे बहुत सारे प्रोजेक्ट लाते हैं और नए प्रोजेक्ट बताते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो इससे पहले भी हमारे कुछ बच्चे बड़े बड़े प्रोग्राम में सिलेक्ट भी हुए थे और हमारा मकसद ये होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो साइंसी जो ऐजादात है या साइंसी जो मालूमात है उसमें आगे फ़रोग हासिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले, ये हमारा मकसद है। और हमारे बच्चे आपने देखा होगा कि बेहतरीन अच्छे लेवल पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के अच्छी अच्छी बातें बताएं। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दूर दराज शहर से दूर दराज इलाके में जहाँ स्लम एरिया है, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको आप उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके लिए तो मैं पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ तामीरे मीडिया को कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम देखकर हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स, हमारा जो माहौल है वो खुश हो जाते हैं कि आप सही चीज़ बता रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। मेरा नाम शेख ज़ुबैर है और मैं यहाँ पर जो है एक सीनियर टीचर के हैसियत से और नारेगांव उर्दू स्कूल के हाई स्कूल का मैं इंचार्ज हूँ। आज जो है हमारे तलबा ने साइंस का जो यहाँ पर प्रोजेक्ट की नुमाइश रखी, योम साइंस के इनेकाद का जो हमारे स्कूल ने इनेकाद किया आज हम मना रहे हैं, उसमें तलबा ने जो है उनके हाथों से और टूटी फूटी चीज़ों से यानी बेकार अशिया से उन्होंने कारामद अशिया बनाई और उन्होंने जो है तो साइंस का
जो यहाँ पर नुमाइश को कामयाब बनाने में तलबा ने और हमारे इसातिज़ा ने जो है बहुत ही मेहनत की है। और इसमें ऐसे प्रोजेक्ट भी शामिल है जो सीमेंस कंपनी और जिज्ञासा की जानिब से शहर में सिटी लेवल पर जो साइंस का प्रोजेक्ट की नुमाइश रखी गई थी उसमें, हाँ, तो वहाँ पर भी जो है हमारे बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया था। ऐसे प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। हमारे तलबा यहाँ पर जो है एकदम गरीब घराने से आते हैं, गरीब एरिया कहलाता है नारेगांव, और यहाँ असातिज़ा जो है तो बहुत ही मेहनत करते हैं उनके ऊपर, और मेहनत का फल बच्चों की सूरत में हमें नज़र आता है और इसी बात की हमें खुशी होती है। सर, उस्ताद का जो है तो एक टीचर का जो होता है एक आला दर्जा होता है एक स्टूडेंट एक शागिर्द की ज़िंदगी में। लेकिन हमने देखे जो बच्चों ने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट वगैरह इनके बनाए हैं साइंसी नुमाइश में एग्जीबिशन में, लेकिन बीच में अगर ये कुछ छोटे बच्चे भी थे जिनकी उम्र छोटी थी तो वो बीच में जहाँ अटक जा रहे थे वहाँ उनको आप एक टैग दे रहे थे, यानी आप बोल रहे थे पूछ कर रहे थे बीच में से, और वो लाइन कंटिन्यू करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो बच्चों की जितनी मेहनत थी उतनी मेहनत आपकी भी थी कि वो जहाँ अटक जा रहे हैं आप वहाँ पर उन्हें टैग दे रहे हैं, तो उस पर कुछ आप। असल में इस बात का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि तलबा की मुकम्मल रहनुमाई में एक उस्ताद का अहम रोल होता है। तलबा दिन भर हमारे साथ होते हैं और उसके बाद के अवकात में घर पे होते हैं, तो ज़्यादातर दिन का जो वक्त होता है बच्चे हमारे साथ गुजारते हैं तो हम उनकी आदतों से वाकिफ़ होते हैं और ज़्यादातर उनकी आदतों को बनाना हमारे हाथ में होता है, यानी असातिज़ा के हाथ में होता है। और इसी तरह जो है हमारे बच्चों की, अगर कहीं मेरा बच्चा रुक जाता है तो मेरा काम या मेरे असातिज़ा हमारे असातिज़ा का काम है ताकि वो बच्चों को वहाँ पर पुशअप करे और वो बच्चा वहाँ से आगे निकले, और हम चाहते हैं कि यही बच्चा आगे चल के अच्छे से अच्छे शहरी बने, साइंटिस्ट बने, यही जो है हम चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। सत्यनारायण, क्या नाम आपका? मिसबा कलीम तंबोली। हाँ, तो आपने क्या बनाया आज बताइए ज़रा। करंट बनाने। हाँ, थोड़ा बोलिए उस बारे में। काम होने के दौरान तवानाई की शक्ल बदलती रहती है। आइए तवानाई की तब्दीली की एक जंजीर पर गौर करते हैं। एनर्जी होती है तवानाई का भाप में तब्दील होना अमले तबखीर कहलाता है। उससे बारिश होती है आप पर तवानाई भी हरकत होती है। स्टार्ट, एक मिनट। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुदस्सिर है। कौन सी क्लास में आप? 8वीं जमात। क्या बना है आज, थोड़ा बताइए। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है स्पीड ब्रेकर पावर जनरेशन विथ रोड प्रिवेंशन। तो ये जो क्या होता है स्पीड ब्रेकर जो होता है हमारा, वो बस गाड़ियों को स्लो करने के लिए होता है। तो हमने सोचा क्यों ना इससे कुछ बनाया जाए। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक डीसी मोटर फिट कर दी है जो 100 RPM की है, और इसके बीच में एक रॉड लगा दिए और अगर गाड़ी जाती है स्पीड ब्रेकर से तो जब स्पीड ब्रेकर घूमेगा तो इससे पावर जनरेट होंगी और उससे लाइट स्ट्रीट लाइट ये जो है, तो अगर इस साइड से गाड़ी आती है तो इस साइड की लाइट चालू होंगे, अगर उस साइड से आती है तो उस साइड की लाइट चालू होंगे। और ये जो है रोड प्रिवेंशन हमारा, इसको बनाने के लिए हमने बहुत ट्राई किया है वर्किंग मॉडल, लेकिन ये नहीं बना, तो इसलिए हमने बस खाली एक्सप्लेन किया। और पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि जो पहाड़ होते हैं उसके गोलाई में रास्ता होता है, तो उसमें जो है तो इस साइड से अगर गाड़ी आती है तो इस साइड वाले। बहुत अच्छा बनाया मुदस्सिर आपने, और एक बार ये कैमरामैन को मैं कहूँगा इधर बता दे। मुदस्सिर का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर देखेंगे आप तो कोई बाहर की जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही है, ये कुल्फ़ी की काड़ी आप देख सकते हैं, ये पेन जो है था इसके अंदर की, अगर आप वो निकाल दिए रिफ़िल तो पेन है, और ये बाकी छोटी सी मोटर, ये घरेलू चीज़ है जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा कुछ इनको ख़रीद कर लाना नहीं पड़ा है, और मुदस्सिर ने एकदम कम इसमें ये बहुत अच्छा बनाया है। उम्मीद करते हैं कि मुदस्सिर ऊपर जाए, सरकार भी इनके तरफ देखे और इनका जो आइडिया है वो ले, और मुदस्सिर आगे जाकर एक बड़े साइंटिस्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे। शुक्रिया। आता है और इसे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट किया जाता है हज़ारों वोल्ट के इलेक्ट्रिसिटी में, और ये जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर है इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टोर होता है, और उसके बाद से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है उसके वो वहाँ से आगे बढ़ता है हमारे प्राइमरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल का काम ये होता है कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरे इसमें से तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो, वहाँ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ता है और स्पार्क गैप में एक स्पार्क होता है जिसके वजह से हमारा जो प्राइमरी सर्किट है वो एक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा होता है सेकेंडरी कॉइल जिसके अंदर हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है, और जब वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है उसे जगह नहीं बचती है स्टोर होने के लिए और तो लाइट चालू होता है। इसके अंदर जो है हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है जिसमें जिसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की डिवाइस जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस जो जाए तो वो ग्लो करने लगती है।
जैसे। राहिल आपने पूरा रोशन कर दिया, अगर राहिल आपके घर की लाइट जाती है तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, आप खुद कर लेंगे, ऐसा लग रहा है आप खुद करेंगे और आपके घर का नहीं आप पूरे शहर को भी रोशन कर देंगे। हाँ, आपकी जुस्तजू और तड़प को देखकर ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको आगे ने ख्वाहिशात आगे के फ्यूचर के लिए। बड़ी बड़ी बड़े एस्केलेटरों में मोटर मोटर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने इसमें एक चक्री आपने जो है तो हमारे जो बड़े मॉल होते हैं प्रोचन मॉल वगैरह जैसा औरंगाबाद में, उसमें जो सीढ़ी पर हम खड़े रहते हैं इलेक्ट्रिक सीढ़ी होती है और उसके ऊपर से हम जो जाते हैं वो बनाया है राइट। तो आपने इसे इस पे बताया है कि पुट्ठे वगैरह से आपने थर्माकोल से कैसा बनाया है, और हम एक चीज़ देख रहे हैं, हमें कैमरा में देखिए ये जो है तो उर्दू में लिखा है, यानी आप कौन सी क्लास में? सातवीं क्लास में है और ये उर्दू स्कूल है, देखिए आने वाली जनरेशन ने अभी भी उर्दू को थाम रखा है और साथ ही इंग्लिश की तालीम और मराठी की तालीम भी ये लेते हैं, और इनका बस यही मकसद है कि हम ज़िंदगी में जा भी बढ़े आगे बढ़े लेकिन हम उर्दू को नहीं छोड़ें राइट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बनाया है, ले लो। क्या नाम आपका? मेरा नाम उम्मे हानी शेख है। उम्मे हानी आप कौन सी क्लास में? मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आज जो आपने बनाए। ये सोलार सिस्टम है और ये मैंने वर्किंग वाला सोलार सिस्टम बनाया है, क्यों सन रूटिंग नहीं करता है तो मैंने इसको पूरे इसमें रूटिंग कर रहा है, ये सन के अतराफ गर्दिश कर रहा है यानी कि, और अर्थ 365 दिन में एक राउंड कम्प्लीट करता है उसका, और ये वीनस जो है लेफ्ट साइड से घूमता है तो ये इस बैटरी की वजह से वो सीधा घूम रहा है, और मैंने इसके वास्ते बैटरी यूज़ करी तो इसलिए वो वर्किंग वाला है। थैंक यू। आराम से कर।